विधानसभा में रोते हुए विधायक बोले, न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। इस देश की पुलिस व्यवस्था क्या इतनी निकम्मी और नाकाम हो गई है कि अब विधायकों को विधानसभा में रोना पड़ रहा है, और वह भी समाजवादी पार्टी के विधायकों को। लेकिन ऐसा हुआ है और यह वास्तविकता है। आजमगढ़ के मेहनगर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक कल्पना पासवान के साथ यह दर्दनाक हादसा हुआ है। उनके 10 लाख रुपए चोरी हो गए, और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस उनकी रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं है। जो पुलिस इस विधायक के साथ ऐसा कर सकती है, तो बेचारे आम आदमियों की क्या बिसात होगी। इस विधायक का कहना है कि उन्होंने घर बनवाने के लिए यह रकम निकाली थी, और 10 जनवरी को वह लखनऊ गए और वहां से बस से आजमगढ़ पहुंचे। होटल में चाय पी रहे थे, उसी दौरान उनके बैग से रुपए चोरी हो गए। उन्होंने पुलिस को शिकायत की, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। उन्होंने एसपी से भी मुलाकात की और वरिष्ठ अधिकारियों से भी शिकायत की। कई बार थाने के चक्कर लगाए, लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई। सबसे बड़ी बात यह है, समाजवादी पार्टी के विधायक सदन में रोए और उन्होंने हाथ जोड़कर स्पीकर से यह कहा कि मेरे साथ न्याय कीजिए, मुझे अगर न्याय नहीं मिल सकता तो मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। आज मैं रो रहा हूं सदन में, कल पूरा सदन रोएगा, मान्यवर न्याय करिए। पूरे सदन में हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, मैं कहां जाऊं, मैं पूरे सदन से कह रहा हूं, मान्यवर मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं गरीब किसान हूं, मेरा रुपया दिलवा दीजिए। इस खबर को पढ़ने के बाद आप सोच सकते हैं कि हमारे देश की पुलिस व्यवस्था किस खतरनाक स्थिति में पहुंच चुकी है। जहां एक विधायक की रिपोर्ट ही नहीं लिखी जा रही, तो आने वाले समय में बेचारे आम आदमी की क्या गत बनेगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।